यस दुनिया में लगभग 195 देश, हर देश की कुछ न कुछ समस्या होती है, कुछ छोटी कुछ बड़ी। अगर आप किसी भी खबर पे नजर रखते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या अखबार हो या किसी भी तरह की खबर हो, तो आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सुनने को मिल जाएगा। पर एक देश इसका अपवाद है, और वो है चीन। इतना बड़ा देश, दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश, सबसे ज्यादा खबरों में रहने वाला देश, पर एक भी नागरिक की आवाज बाहर नहीं आती। तो इसका क्या मतलब हो सकता है, और इसको हमको बताएंगे सबसे इसके एक जानकार विशेषज्ञ। मैं उनको कहूंगी विदेश नीति, देश देश कोई अगर देश कोई अगर कूटनीति है तो उस पर उनकी एक राय होती है। और आज के नेताओं में मैं उनको थोड़ा बुद्धिजीवों की कैटेगरी में, किस श्रेणी में उनको रखूंगी। और आज फिर से है हमारे साथ डॉक्टर शेख, जो हमें बताएंगे कि क्या चाइना वैसा ही है जैसा दिखता है, क्या है चाइना के अंदर की जो राजनीति है, क्या उसके अंदर में चल रहा है, उनके लोगों के बीच में क्या चल रहा है, क्या वहां पे इश्यूज हैं, और वो क्यों बाहर नहीं आते, और साथ ही साथ कुछ कुछ बदलते समीकरण जो कि रशिया के साथ हैं, जो भारत के साथ हैं, जो अमेरिका के साथ हैं, और उसके परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे कि वो भारत पे कैसी उनका असर होता है। डॉक्टर से पहला सवाल ये है कि चाइना का जो जो चेंजिंग लैंडस्केप्स है, वो रशिया के पास के साथ जा रहा है। आप देखते हैं कि यूएसए कभी वो पास होता है अमेरिका के, कभी वो थोड़ी दूरी बना लेता है। और जिस तरह से जो उसकी भूमिका रही है अभी हाल के दिनों में इजराइल पैलेस्टाइन के बीच में, ये एक बड़े राजनीति और कूटनीति का संकेत देती है। तो आप इसको किस तरह देखते हैं? देखो सुजाता, चाइना वही करता है जो हर नेशन स्टेट करता है, और नेशन स्टेट क्या करता है, जो उसके इंटरेस्ट को सूट करता है वही हर नेशन स्टेट करता है। तो फॉरेन पॉलिसी जो होती है ना, उसमें एक ही चीज जो होती है वह स्थापित होती है और स्थायी होती है, वह होता है कि राज्य का या राष्ट्र का अपना खुद का निजी हित, और वो किसी भी जिसको कहते हैं मॉरल्स वगैरह के बिना आता है, इट डजेंट कम विथ मॉरल्स, उसमें कोई मॉरल्स नहीं गिने जाते, कोई नैतिकता के आधार नहीं होते, वो केवल और केवल शुद्ध रूप से अपने खुद के इंटरेस्ट किस चीज में उसी पर निर्भर करता है। और चीन भी वही कर रहा है, कोई अपवाद नहीं कर रहा है। अभी चाहे वो मिडिल ईस्ट में जिस प्रकार की पॉलिसी दिखा रहा हो, इट वॉन्ट टू इंक्रीज इट्स सॉफ्ट एंड एज वेल एज हार्ड पावर। वो हार्ड पावर इंक्रीज करने के लिए आप सोचिए ना कि चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो जो बेसिस को, मिलिट्री बेसिस को हंट कर रहा है, उसमें उसको अमेरिका ने खुद ने उसकी गोद में रशिया जैसा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पार्टनर डाल दिया है। क्योंकि जिस प्रकार से अमेरिका, आप सोचिए कि ये एक मेंटल बैंकरप्सी आ चुकी है यूनाइटेड स्टेट्स में, और मैं कहता हूं इनके थिंक टैंक्स में, इनके इंटेलिजेंसिया में। ये बताओ मुझे कि कौन से देश की फॉरेन पॉलिसी को लॉज कैसे आप गवर्न कर सकते हो? फॉरेन पॉलिसी बड़ी लचीली होती है, कब क्या करना है वह करना है आपको, जो बिल्कुल इंटरेस्ट देखना है जो, और फॉरेन पॉलिसी और जियो पॉलिटिक्स प्रतिदिन चेंज होती है, डायनामिक्स जो है ना वो तो हर रोज बदलते हैं उसके, क्योंकि इतने सारे देश हैं अपनी अपनी जगह खेलते हैं। जब यूनाइटेड स्टेट्स 2017 में काट्सा एक्ट, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सेंक्शन एक्ट, जब लाया तो उसने ये डिफाइन कर दिया कि आपसे यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी है वह लॉ से चलेगी जो उसकी पार्लियामेंट में लाए हैं, और कोई भी कंट्री जिसको अमेरिका एडवर्सरी मानेगा अपना, तो ऑटोमेटिकली वो एक्ट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये काट्सा का जो एक्ट लाया फिर उस पर वो रशिया के ऊपर इंप्लीमेंट हुआ, रशिया के बाद दूसरे अमेरिकन अलाइज के साथ भी हुआ, जैसे उदाहरण के तौर पर टर्की के ऊपर हुआ। टर्की को आप सोचिए कि मैं टर्की की बहुत सारी चीजों से नाखुश हो सकता हूँ, लेकिन यदि आप ये देखिए कि अमेरिका के प्रोस्पेक्टिव से आप देखें तो वो नेटो का अलाय है, और वह एशिया और यूरोप के बीच में एक बफर स्टेट का काम करता है जिसके ऊपर रशिया और चाइना दोनों की निगाहें हैं। अब उसके ऊपर S-400 मिसाइल लेने के ऊपर, जो हमने भी खरीदी है रशिया से, सेंक्शंस लग गए काट्सा के माध्यम से, जबकि वो जो चाह रहा था वो अमेरिका से पहले डोनाल्ड ट्रंप को, मैं बोलता हूँ डोनाल्ड ट्रंप बोलने में बहुत हल्के थे, मैं बड़ा शुद्ध शब्द का उपयोग करता हूँ देसी लैंग्वेज का, डोनाल्ड ट्रंप जुबान से बहुत हल्का व्यक्ति था,
लेकिन मैं कहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप फॉरेन पॉलिसी का जीनियस था। आप देखिए कि इसराइल के साथ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और तीन दूसरी कंट्रीज के उन्होंने स्थापित करवा दिए संबंध जो आज भी चल रहे हैं। उस व्यक्ति ने किसी तरह से भी अर्डोगन को पुचकार के रखा कि अर्डोगन को कभी फिसलने नहीं दिया, अमेरिकन बिल्कुल कैंप में रखा। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा कही है कि टर्की पेट्रियॉट मिसाइल चाहता था अमेरिका से अपने डिफेंस के लिए, लेकिन हमने नहीं दी तो उसने S-400 खरीदी। अब आप समझिए कि ये कितनी बड़ी फॉरेन पॉलिसी की बेवकूफी थी। उसी फेलियर प्रकार से फेलियर था। यूरोपियन यूनियन ने भी यही किया कि बैलिस्टिक मिसाइल जब वो मांग रहा था टेक्नोलॉजी के साथ तो उसको नहीं दिया, तो उसने खुद के डेवलप की। और साथ में जो उसको उसके लिए उसको लॉन्च पैड ट्रक्स चाहिए थे वो फिर बेलारूस से लिए। अब वो रशिया और बेलारूस के करीब आ गया। तो ये फॉरेन पॉलिसीज जो होती है ना, जब कोई भी कंट्री लॉज के साथ चलाने लगे कि संसद के द्वारा पारित लॉज को मैं गवर्न करेंगे, तो फिर उसके परिणाम अच्छे नहीं आते। इसीलिए चाइना की गोद में रशिया जा रहा है, क्योंकि रशिया को आप एक तरह से उसका हुक्का पानी बंद कर दोगे, उससे जो हथियार खरीदेगा उसका हुक्का पानी बंद कर दोगे। आप इंडिया को भी कहोगे कि अगर आपने खरीद ली है, अब हो सकता है आप पर भी सेंक्शन लगा दे। तो इस तरह से फॉरेन पॉलिसी नहीं चलती है। और उसके परिणाम स्वरूप ही अभी हम देख रहे हैं कि चाइना जो है वह मिडिल ईस्ट में भी आकर बैठ गया है। आप देखिए, एक सिम्बायोटिक रिलेशन है रशिया और चाइना के बीच में। चाइना को चाहिए आर्म्स और टेक्नोलॉजी, स्पेस के लिए भी चाहिए उसको, स्पेस वॉर के लिए भी और ग्राउंड वॉर के लिए भी, जैसे जेट इंजन है जो उनके एयरक्राफ्ट है। चाइना का जेट्स जो थे वो फेल थे क्योंकि चाइना का इंजन फेल हुआ करता था, लेकिन अब चाइना जेट्स बना रहा, वो कह रहा है कि हम 5th जनरेशन तैयार किए हैं। मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी तक कहीं पर फील्ड में डिप्लॉयमेंट नहीं देखा कि किसी युद्ध में काम आया हो। तो वो कितना फिफ्थ जनरेशन है कि 4th जनरेशन है वी डू नॉट नो, लेकिन जेट्स के इंजन कहाँ से आए हैं? इंजन उसने लिए हैं रशिया से, क्योंकि रशिया के पास तो टेक्नोलॉजी है लेकिन पैसा नहीं है। चाइना के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, पैसा है। तो आपने के अपनी फॉरेन बेवकूफी की फॉरेन पॉलिसी से अमेरिका ने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया कि जो सिम्बायोटिक है रशिया और चाइना के लिए, कि रशिया को पैसे की जरूरत है वो चीन दे रहा है, चीन को टेक्नोलॉजी और पावर की जरूरत है वो रशिया दे रहा है। उसका जो दुष्परिणाम आ रहा है किस पर आ रहा है? अमेरिका और अमेरिकन फ्रेंड्स इंक्लूडिंग भारत के ऊपर। तो चाइना वही कर रहा है जो चाइना के इंटरेस्ट को सूट करता है। लेकिन अभी आप पूछ रहे थे कि चाइना का इतना स्ट्रांग है। देखिए, चाइना अंदर से खोखला है और अंदर से खोखला होने की बहुत सारी वजूहत है। वजूहत क्या है कि चाइना जो इतना बड़ा देश दिखता है हमको, इतना बड़ा लैंडस्केप दिखता है, उसके आधे से ज्यादा दूसरों की कंट्रीज की जमीन पर कब्जा करके किया है। किस प्रकार से? जैसे तिब्बत, तिब्बत हमेशा से एक अलग देश था, उस तिब्बत पे कब्जा कर लिया। शिंजियांग, जिसके विषय में उइगर मुस्लिमों के साथ जो ट्रीटमेंट है चीन का, उसके ऊपर बहुत बात होती है। शिंजियांग हमेशा से एक अलग मुल्क था। और थोड़ा इतिहास में जाओगे ना आप, तो मुगल भारत का शिंजियांग से जितना कांटेक्ट था, कल्चरल लेवल पर भी और पर्सनल लेवल पर भी और फ्रेंडली लेवल पर भी, आज भी चीन का इतना कांटेक्ट नहीं है। तो शिंजियांग हमेशा से अलग था। वो एक सेंट्रल एशियन कंट्री ऑफ टर्किक ओरिजिन है, वो चाइनीज ओरिजिन कहीं से कहीं तक भी नहीं है। लेकिन उसको पहले तो चिन डायनेस्टी ने मिलाया, और जैसे ही चिन डायनेस्टी का फॉल हुआ, शिंजियांग ने अपने आप को एक अलग देश घोषित कर दिया और देश की तरह चलने लगा। फिर उसके बाद माओ ने जो रिवॉल्यूशन लाया, तो माओ ने वापस उस पर कब्जा कर लिया और दमन की नीतियां शुरू की। उसी प्रकार से आप देखिए, निया मंगोलिया, चाइना का जो प्रोविंस है जिसको अंग्रेजी में इनर मंगोलिया कहते हैं, वो क्या है? वो तो मंगोलिया ही है। देखो, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है उसके बाहर जो भी है वह चीन नहीं है। जी ग्रेट वॉल को बनाया इसलिए गया था ताकि जो विशेषकर मंगोलिया से आक्रमण होते थे चीन पे, और चीन को पूरा रोन देते थे बार बार मंगोल्स उस समय, तो उसको रोका जा सके। अब उस वॉल के बाहर का जो एरिया वो चीन का कैसे हो सकता हो? तो मंगोलिया है, लेकिन उस पर भी चीनियों ने कब्जा कर रखा है। और वहां पर भी वही सब कुछ हथकंडे किए हैं जो शिंजियांग में किए। पूरे के पूरा डेमोग्राफिक चेंज करना, हैन चाइनीज को बसाना, लैंग्वेज को मार देना, मैंड्रिन को अनिवार्य करना। ये बात अलग है कि शिंजियांग ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है क्योंकि उसकी पॉपुलेशन भी ज्यादा है, तो वो ज्यादा न्यूज में आता है। प्लस
क्योंकि बहुत सारे शिंजियन के जो लोग हैं वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज में बसे हुए हैं, तो वहां से वे मीडिया में बात करते हैं और चीजें बाहर आती हैं। तिब्बत को देखो आप, तिब्बत को किस प्रकार से दमन किया गया, और वेस्ट की भी पॉलिसीज बहुत गलत रही हैं। जब चीन हेनरी किसिंजर और निक्सन के दौर से पहले पराया था, बिल्कुल दुनिया भर में अछूत बिल्कुल, था, अनटचेबल कंट्री माना जाता था, इन्होंने वन उसको चाइना का मेन लीग पूरा में किया, कॉन्सेप्ट इन लोगों ने दिया जी, ताइवान को उसको बिल्कुल छोड़ यूएन के। में लाए, नहीं उसको यूएन में लाए, आपने उसको वीटो पावर से सम्मानित किया, सब कुछ किया, क्योंकि आपको उस समय यूएसएसआर को मारना था, उसको खत्म करना था। और वो समय था जब सबसे ज्यादा दमनकारी नीति तिब्बत में चल रही थी, चाहे बौद्ध मंदिरों को तोड़ने का काम हुआ हो, चाहे उनको खत्म करने का काम, दलाई लामा का फोटो लगाने के ऊपर गिरफ्तारी हो जाती है और व्यक्ति कहाँ जाता है पता नहीं चलता। लेकिन बड़ी खूबसूरती से तिब्बत को किस तरह से अनेक्स किया गया, पिछले 20-25 साल में 50% जो तिब्बती लोग हैं उनमें इंटररेशियल विवाह कर दिए गए हैं चाइनीज के साथ, तो आधा तिब्बती मूवमेंट को तो उन्होंने वहीं खत्म कर दिया। अब आधा तिब्बती तो चीनी हैन चाइनीज बन चुका है रेस से भी, अब बचा आधा है, मुझे लगता है 15-20 साल में उसको भी वो निगल लेंगे। तो चाइना की पॉलिसी इस प्रकार से होती है, लेकिन रेजिस्ट होता है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले ये बातें ज्यादा खुल नहीं पाती, निया मंगोलिया, इनर मंगोलिया में क्या हुआ कि चाइना ने एक कानून लाए कि जिसके तहत मंगोल भाषा को स्कूल्स में बंद कर दिया गया और अनिवार्य रूप से मैंड्रिन जो चीनी भाषा उसको पढ़ाना शुरू किया गया, लोग सड़कों पर आकर प्रदर्शन किए। लेकिन क्या होता है ना कि चाइना में एक तो सोशल मीडिया चाइनीज ही है, ट्विटर फेसबुक इन सबको नहीं है, फिर जो चीजें लिखित में आती है, जो डिस्कशंस होते हैं वो मैंड्रिन में होते हैं या मंगोल भाषा में होते हैं, तो वो हम पढ़ नहीं पाते। और हम लोगों का नॉलेज, हम लोगों से मतलब मैं भारतीय ही बात नहीं कर रहा, मैं अमेरिकन, मैं ब्रिटिशर्स को भी इस पर रख रहा हूँ, चाइना के विषय में बहुत कम है। उसका मुख्य कारण है, एक तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी को उठाकर देख लो और लुक एट द हिंदुस्तानी नहीं, मैं बड़ी यूनिवर्सिटीज जो विदेश की हैं, चाहे कैम्ब्रिज हो, चाहे स्टैनफोर्ड हो, इन सब की भी बात करो, प्रेस्टन यूनिवर्सिटी हो, लुक एट द साइज ऑफ चाइनीज स्टडीज डिपार्टमेंट, बहुत छोटा सा डिपार्टमेंट मिलेगा आपको। तो चाइनीज कल्चर, चाइनीज लिटरेचर, चाइनीज म्यूजिक, चाइनीज लैंग्वेज, चाइनीज सोशियो इकोनॉमिकल एंड सोशियो पॉलिटिकल स्टडीज, इसके ऊपर रिसर्च और अध्ययन बहुत कम होता है। तो चाइना अंदर से कितना खोखला है वो समझ नहीं पाते। मैं बार बार ये एक बात कहता हूँ कि हम, मैं तो अपने देश की बात करता हूँ ना, भाड़ में जाए अमेरिका और वेस्ट, कोई ये भी कोई हमारे अपने नहीं है। भारत को यदि उठना है तो अपने पैरों पर ही खड़े होकर उठना है, हमको हमारी यूनिवर्सिटीज में प्रमोट करना होगा चाइनीज स्टडीज को, चाइनीज लैंग्वेज लिटरेचर इन सब के स्टडीज को, और हमारे बच्चों को भेजना होगा जो एमफिल करते हैं या पीएचडी करते हैं कि चाइना में जाकर पीएचडी करें। ऐसा नहीं कि हम थीसिस कहीं से ले लें और उसको बनाकर डॉक्टरेट कर लें, उससे कुछ फायदा नहीं होना, देश का भी नहीं होना है और व्यक्ति का भी नहीं होना है। और मैं ये बात जो कहता हूँ कि तो ये हमारे न्यू बच्चे वहां एजुकेशन जाकर पढ़ें। पॉलिसी, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है लाई है सरकार, जो जिसपे काफी उम्मीद की जा रही है, तो वहां पे ये सारी चीजें रिकमेंडेशंस नहीं सुनी जाती, क्योंकि एजुकेशन को सिर्फ हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। एजुकेशन को हमको ये भी देखना हो कि आज के लिए अच्छा है और कल के लिए भी अच्छा होगा, उस परिप्रेक्ष्य में देखना। तो जैसे आपने बोला, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग फ्रेंच सीखते हैं, जर्मन सीखते हैं, इटालियन सीखते हैं, इंग्लिश तो खैर बात ही छोड़ दीजिए। तो ये मैंड्रीन का भी थोड़ा मेन स्ट्रीम करने की सोच नहीं आई? नहीं, मेन स्ट्रीम करने की सोच आ रही है, सरकार के अंदर भी है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं सिविल सोसाइटी को भी आगे आना होगा। देखो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, हर चीज आप सरकार के ऊपर सोचोगे तो स्टिल वी आर नॉट द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, चाइना की तरह या यूएस की तरह हम इतना पैसा नहीं लगा सकते। लेकिन आप ये भी याद कीजिए कि यहाँ पर अशोक का यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी भी है जिसमें पैसे वालों के बच्चे आते हैं, क्या वो बच्चे ढंग से थीसिस रिसर्च करके नहीं जा सकते? वो कुछ बच्चों को
जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट अपने एड से भेज सकती है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। उससे फायदा भी होगा। कैसे फायदा होगा? जब पैसे वाले का बच्चा जाएगा, देखिए बोलने में गंदी बात है लेकिन जो फैक्ट है मैं बोलता हूँ, सुनने में अच्छे नहीं लगे, पैसे वाले का ही मैं शब्द यूज करूंगा, यदि हाई फाई क्लास का, बिल्कुल हाई फाई क्लास का बच्चा चाइना में जाएगा रिसर्च करने, 2-3 साल रुकेगा, 1 साल रुकेगा, तो फिर वो पब में भी जाएगा, वो डिस्को में भी जाएगा, वो चाइनीज गर्लफ्रेंड भी बनाएगा, वो उस स्टेटा के साथ कल्चर को मिक्स होगा उस, समझेगा। और वो समझेगा कि जो वहां की अपर क्लास है, जो वहां की मॉडर्न क्लास है, वो किस प्रकार से सोचती है। और जब वो हिंदुस्तान आएगा तो वो पूरा नो हाउ उनके बारे में लेके आएगा। जब मिडिल क्लास का या गरीब बच्चा जाएगा जो गवर्नमेंट के एड से जाएगा, तो हो सकता है कि वो वहां की मिडिल क्लास से इंटरेक्ट करे। यदि वो कहीं ना कहीं धार्मिक परिवार से होता है, कल्चरल अलग टाइप के परिवार से होता है, तो वो हो सकता है कि उसका कहीं इंक्लिनेशन हो कि कन्फ्यूशियस के सिद्धांत क्या थे उसको समझने की कोशिश करे, कहीं बौद्ध परंपराओं को समझने की कोशिश करे, तो वो उस क्लास के लोगों से मिलेगा, उनसे इंटरेक्ट करेगा, वो उसका नो हाउ लेकर आएगा। और जो ये नो हाउ, जो कलेक्टिव नो हाउ बनेगा ना, तो वो हमारे लिए एक ट्रेजर की तरह काम करेगा। और एक बार याद रखना, स्टूडेंट जब जाता है ना, वो कोई से भी क्लास का हो, वो अपर क्लास हो, हाई फाई हो, मिडिल क्लास का हो, वो हर जगह सुनता फिरता है। वो दुकान में भी जाके बैठता है, वो बार्बर की शॉप पे, सलून पे भी जाके बैठता है, वो थोड़ा हाई फाई होता है तो वो स्पा में भी जाके बैठता है। तो वो जो नॉलेज लेकर आएगा वहां के सोसाइटी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है चाइना को समझना? क्योंकि चाइना जितना हमको समझता होगा, हम उसको नहीं समझ सकते। मैं क्यों कहता हूँ ये बात? आप तीन कंट्रीज को जोड़ लो, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका। श्रीलंका पाकिस्तानी का दिमाग कैसा सोचता है, वो कैसा रिएक्ट करता है, हम समझ सकते हैं, क्योंकि फाइनली मैटर वही है जो हमारा है। कल्चरल सिमिलरिटीज बहुत सारी है। नेपाली का दिमाग क्या सोचेगा, क्या परेशानी उसको देगी, क्या उसको खुशी देगी, वो क्या सोच सकता है, हम समझ सकते हैं। हमारा तमिलनाडु का व्यक्ति, केरल का व्यक्ति बहुत हद तक समझ सकता है कि श्रीलंकन किस प्रकार से सोचेगा और किस प्रकार से रिएक्ट करेगा। तो इन तीनों कंट्रीज के माध्यम से, जो तीनों एक तरह से क्लाइंट स्टेट बने हुए चाइना के, चाइना को भारत के विषय में कितना समझने को मिलता होगा, कितने नेपाली हैं जो भारत के हर कोने में काम करते हैं, पाकिस्तानी जो हैं वो कम से कम मानसिकता समझते हैं भारतीयों की, श्रीलंका हमारे दक्षिण भारत को समझता है, लेकिन क्या हम लोग चीन को इतना समझते हैं? नहीं नहीं समझते। और समझ। आप मान के चलो, सुजाता, आज नहीं तो कल जंग तो होनी है चीन से, आज नहीं होगी, कई 1 दशक के बाद, 2 दशक के बाद होगी, लेकिन फाइनली जंग होनी है चीन से। तो चीन को समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और मैं चाहता हूं कि जंग हो तो साउथ चाइना सी में हो, भारत में नहीं हो, ताकि जितना नुकसान हो जंग का, नुकसान तो होता है जंग का, उस एरिया में हो, चाहे वो वियतनाम में हो, चाहे वो ताइवान के ऊपर हो, इंडोनेशिया मलेशिया में हो, जैसे अमेरिका दोनों वर्ल्ड वॉर जाके लड़ा था यूरोप में, मैं चाहता हूँ भारत जाके लड़े साउथ चाइना सी में। आपने बहुत बड़ी बात कही अभी कि जंग तो होगी, तो अब तो उसके लिए तैयारी होनी चाहिए। वो तैयारी हर तरह से, क्योंकि जिस तरह से चाइना हमारे सीमाओं के अंदर घुस आया है, बहुत सारे अरुणाचल प्रदेश ले लीजिए, लद्दाख में जो चीजें होती रहती हैं, और अभी कुछ खबरों के अनुसार जो जो भी चीजें हो रही हैं लक्षद्वीप में या फिर नीचे केरला में भी, बहुत सारा चाइनीज फंडिंग को निकाला गया है, चाहे वो कंपनीज के थ्रू ही क्यों हो आए हो या दूसरी जो जो कंपनीज एक तरह से गुप्तचर बन के आपके यहाँ काम करती हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस आए थे जहाँ पे लोग स्पाई, चाइनीज स्पाई पकड़े गए थे। तो इसके लिए किस तरह से आप सोचते हैं कि एज अ नेशन हमको कैसे कैसे इसके लिए तैयार रहना होगा, जो अभी हुआ नहीं है देखिए लेकिन हो सकता है? देखिए हमको बहुत सारी चीजों के लिए तैयार रहना होगा। एक तो हमारे देश को सबसे पहले, देखो चीन जो है वह काइनेटिक वॉरफेयर के कंपैरिजन में शायद जो साइबर वॉरफेयर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इस पे ज्यादा काम किया है। क्यों किया है? जितना मेरा अध्ययन जाता है, जितना मैंने समझा है, और मेरा अध्ययन भी जो, देखिए इतना डेप्थ तो हो नहीं सकता, मैं भी मैंड्रिन नहीं जानता, लेकिन हम कहाँ किसके अध्ययन को देखते हैं, किसको इन डेप्थ पढ़ते हैं, जो वेस्टर्न
लोगों ने अध्ययन करते हैं और उनके पेपर्स निकालते हैं जो जर्नल्स में लिखते हैं, हम उनके ऊपर शोध करते हैं, उनको उनको पढ़कर समझते हैं। तो सबसे पहले तो इस देश को डाटा हाइजीन के विषय में जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर चीन बहुत हद तक हमला इजीली कर सकता है, बार बार कर सकता है, नंबर वन। नंबर टू, सैन्य रूप से सरकार का काम है, सरकार उस पर ध्यान रख रही है कि सैन्य तैयारियां क्या चल रही हैं, किस लेवल पर चल रही हैं, लेकिन बतौर समाज हमको हमारी क्वालिटी भी सुधारनी होगी, वर्कमैनशिप सुधारनी होगी। जब तक हम अपनी वर्कमैनशिप नहीं सुधारेंगे, तब तक इस हिंदुस्तान में, मेरे प्यारे हिंदुस्तान में, इन्वेस्टमेंट बाहर से जिस प्रकार से हम चाहते हैं नहीं आएगा। सरकारों के ऊपर सब नहीं छोड़ा जा सकता, हिंदुस्तानियों को मेहनत करनी होगी। देखिए सुजाता, टू बी वेरी फ्रेंक इनफ, जापानी, कोरियन, चीनी, ये आगे बढ़े हैं ना, मेहनत करके बढ़े, जो ड्यू क्रेडिट देना चाहिए ना वो देना चाहिए हमको उनको। 18-18 घंटे काम करते हैं लोग, 15-15 घंटे काम करते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है कि मेरे एज के लोग भी ओटले के ऊपर बैठकर सिगरेट और तंबाकू खाते हुए बात करने के लिए घंटों वक्त मिल जाता है उनको। हमारे देश में मुझे बड़ा दुख होता है इस चीज का कि हमने पढ़ाई करने की आदत छोड़ दी है, लोग जनरल्स नहीं पढ़ते। तो जब ऐसी स्थिति होगी, जब मैं देखता हूँ कि पीएचडी का स्टूडेंट सबसे पहले ढूंढता है कि कौन से थीसिस बनी हुई मिलेगी, उसमें अमेंडमेंट कर दूं और थीसिस सबमिट कर दूं, अप्रूव करा दूं, साइन करा दूं और डॉक्टर लगा दूं नाम के सामने, तो इस तरह से फिर हम चाइना क्या, हम किसी से भी लड़ने में बहुत तकलीफ होगी। बतौर समाज यदि भारत को आगे बढ़ाना है, हम भारत के सच्चे अर्थ में आपको पेट्रियट मानते हैं, तो फिर हमको मेहनत करनी होगी। 15-15 घंटे इस देश के लोगों को मेहनत करनी होगी, और जो कुछ भी करे वो रिफाइंड करे, क्वालिटी बनाए। देखिए आप एक बात देखिए ना, कि चीन जो है वो हर तरह की क्वालिटी बनाता है। यूरोप का मार्केट आज फ्लडेड है चीनी प्रोडक्ट से। क्यों फ्लडेड है? क्योंकि वो ए ग्रेड की भी क्वालिटी बनाता है, बहुत अच्छी क्वालिटी बना के देते हैं, हम क्वालिटी क्यों नहीं बना पा रहे? तो इसमें सरकारों का दोष देना सही नहीं है, हम लोग काम ही नहीं करना चाहते। मैं चाहता हूं कि भारत का इंसान जो है 15-16 घंटे काम कर, और 10 साल अगर ये देश काम कर लिया ढंग से, 15 घंटे रोज की मेहनत कर ली, तो हम चीन को आराम से पीछे छोड़ सकते हैं। चीन के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड था, वो चला गया उसका, भारत के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड भी है, हम उसका उपयोग नहीं कर रहे। एक और चीज जो सामने आती है वो बार बार ये मानवाधिकार हनन की बात आती है जो चाइना के अंदर होती है, स्पेशली जो उगर मुस्लिम्स हैं उनको लेके या फिर जो महिलाओं को लेके। हालांकि लेफ्ट बिल्कुल जो है हमेशा ये बातें कहता है कि वो बहुत वेलकमिंग, फ्री सोसाइटी, फ्री स्पीच की बात करते हैं, लेकिन चाइना जहाँ पे लेफ्ट और कम्युनिस्ट की सरकार है जो उस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, ऐसे तो वो कैपिटलिस्टिक है लेकिन जो आइडियोलॉजी की एक बात है, तो वहां पे आपका क्या, किस तरह से देखते हैं उसको कि जो ह्यूमन, यहाँ पे अगर हमारी आर्मी अपनी रक्षा करते हुए अगर किसी को एक धक्का भी दे देती है तो वो मानवाधिकार हनन का मुद्दा बन जाता है, लेकिन जो उगर मुस्लिम के साथ हो रहा है चाइना में वो उतना बड़ा मुद्दा क्यों नहीं है? देखिए एक बात है, फिर वही बात आती है कि जो लोग बार बार बोलते हैं कि मुस्लिम कंट्रीज क्यों नहीं बोलते, फिर वही बात आती है कि फाइनली जो नेशंस होते हैं वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। तो नेशंस का इंटरेस्ट है चीन के साथ रहने में, तो वो उसके साथ हैं, उसको हर चीज को इग्नोर कर देते हैं। हमको चीन से लड़ना है तो हमको चीन को समझना होगा। तो आप बात कर रहे हो लेफ्ट की, आप बताइए कि लेफ्ट में, मैं तो चलो बात करता हूँ कम्युनिस्ट की भी। दुनिया की पहली इलेक्टेड कम्युनिस्ट सरकार बनी नंबूदरी पाद की, दक्षिण भारत के केरल में, हिंदुस्तान में। हम जब भी फोटोज देखते हैं, हम नाम देखते हैं, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे वो लेनिन हो, चाहे माओ हो, उन सब के नाम आते हैं, सब विदेशी कम्युनिस्टों के। इवन भारत के किसी कम्युनिस्ट का भी नाम नहीं आता। आपने कभी देखा हरकिशन सिंह सुजीत का फोटो लगा हुआ इनके साथ? तब भी कभी उछल नहीं, रहे हैं ये लोग, कभी तो ये नहीं। तो बेवकूफी के पराकाष्ठा है। तो जब तक के, मैं और बोल रहा हूँ ना, कि जब तक के आप दूसरों पर डिपेंडेंट रहोगे, चाहे विचार के दृष्टिकोण से, चाहे उत्पादन के दृष्टिकोण से, तो आप आगे नहीं आ सकते। आपको अपने आप को बतौर देश और बतौर समाज डेवलप करना होगा, ना वो लेफ्ट ने किया है, और अब जरूरत है कि हम कम से कम करें, एज ए नेशन आगे बढ़े। अभी आपने बात की कि चीन के अंदर मानवाधिकारों का, उगीर का तो सब जानते हैं, लेकिन दूसरी बहुत सारी चीजें हैं, और उगीर के साथ में जितने भी वहां पर
जो प्रोविंस है ऑटोनोमस प्रोविंस बोलते हैं, जहां चीन में ऑटोनोमस किसी प्रोविंस के साथ नाम लग जाए तो समझ लेना कि वो ऑटोनोमस नहीं है, वहां तो बिल्कुल दबी हुई प्रोविंस है। मैं उदाहरण देता हूँ, ऑटोनोमस प्रोविंस कौन कौन सी है? शिंजियांग ऑटोनोमस प्रोविंस है, तिब्बत ऑटोनोमस प्रोविंस है, हांगकांग ऑटोनोमस रीजन है, मकाऊ, मकाऊ बहुत हद तक ब्लेंड हो चुका है वहां पर, तो मकाऊ की कंडीशन अच्छी क्योंकि वो हैन चाइनीज भी है पूरा, वह एक ऑटोनोमस रीजन है। मंचूरिया जिसको पूरा, वो बेसिकली मंचूरिया जो है ना वो तो कोरिया है। आप कोरिया को नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया डिवीजन छोड़ दो तो कोरियंस लोग एक ही है, और हिस्टोरिकली चीनियों को मंचूरिया में एंटर नहीं किया जा करने दिया जाता था, मंचूरिया के लोग इनको मार देते थे। देखिए मंचूरिया पे कब्जा कर रखा, मंचूरिया भी अपने आप में ऑटोनोमस है। निया मंगोलिया, इनर मंगोलिया जिसके विषय में अभी हमने बात की थी, वो भी ऑटोनोमस है। जितने ऑटोनोमस है मतलब जो चीनी नहीं है, जो कब्जे वाले क्षेत्र है उसको वो ऑटोनोमस कहता है, और वहां पर हनन होते हैं। और आप देखिए, मैं आपको आंकड़ा देता हूँ, डाटा हमेशा बोलता है, और ये डाटा भी कम होगा क्योंकि चीन से आ रहा है उससे ज्यादा ही होगा, लेकिन जो है हमारे पास उसकी बात करें हम, तो 2019 में 216 अरब US डॉलर चीन ने स्पेंड किया था इंटरनल सिक्योरिटी डोमेस्टिक सर्विलेंस पॉलिसी के ऊपर। तो आप बताओ कि 216 अरब US डॉलर की रकम क्यों अगर जरूरत उसने खर्च पड़ी, की है तो किस क्यों चीज के लिए जरूरत की है? पड़ी? मतलब चीन के अंदर बहुत विस्फोटक स्थिति है जिसको एक्सप्लॉइट हम लोग नहीं कर पा रहे। चीन का समाज बटा हुआ है, वह विस्फोट होके अंदर से फूटने की स्थिति में है, अवस्था में है। देखिए उसको समझना होगा तभी आप उसको, कोई भी दुनिया का देश उसको, मैं भारत का ही नहीं बोलता, कोई भी दुनिया का देश तभी उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है। फिर आओ महिलाओं की बात, 50% जनसंख्या है महिलाओं की, हर दुनिया भर में होती है। उस 50% जनसंख्या में जो टॉप लेवल चाइनीज कम्युनिस्ट लीडरशिप होती है, जिसमें 25 मेंबर्स जो होते हैं वो पॉलिट ब्यूरो के होते हैं और अलग से और स्टैंडिंग कमेटी के होते हैं, उन 25 में से केवल एक औरत है, बाकी सब 24 पुरुष हैं। तो क्या रेशो दे रहे हैं ये आप समझ लीजिए। फिर उसके नेक्स्ट जो हायरार्की में 204 मोस्ट पावरफुल मेंबर्स होते हैं उनकी सेंट्रल कमेटी के, उसमें प्रतिशत के मान से 4.9% महिलाएं हैं, बाकी सब पुरुष हैं। तो वहां पर भी उनको पीछे करके रखा है। फिर आप ये देखिए कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 जो है, उसमें जो जेंडर गैप रिपोर्ट, हाँ ग्लोबल जो 2021 की जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, उसमें चाइना 144 कंट्रीज में 107वें स्थान पर है आज की तारीख में, जबकि यही चाइना 2013 में 69 पर था। तो 69 से कहां पहुंच गया वो, 107 पे। नीचे मतलब शी जिनपिंग ने उसको और नीचे कर दिया। 2012 में शी जिनपिंग सत्ता में आए थे, 2013 की बात करें जब एक साल पूरा हुआ था तब 69 थी, और अब जो इनको इतने साल हो चुके हैं सत्ता पे काबिज होने के बाद, तो वो उसको 107 पर ले आए। तो शी जिनपिंग का चाइना जो है वो महिलाओं के भी उसके लिए भी उदार नहीं है। 20% महिलाओं की आय सेम काम करने पर अपने पुरुष काउंटर पार्ट से कम होती है, और जो फेमिनिस्ट है ना उनको बहुत गंदी भाषा का को झेलना पड़ता है सोशल मीडिया पे, इस हद तक कि इसी वर्ष के आरंभ में कुछ आर्टिस्ट, चीनी आर्टिस्ट महिलाओं ने 1000 ऐसे जो भद्दे मैसेज थे इंटरनेट पर, उनको आर्ट के रूप में एक पूरी पहाड़ी पर दिखाया बनाकर कि ये हम फेस करती हैं। लेकिन ये चीजें समझ नहीं पाते लोग, क्योंकि चाइना की डीप न्यूज हम लोग अध्ययन नहीं करते, और फिर वो चीजें आती हैं मैंड्रिन में, उनकी चीनी भाषा में, उसको समझ नहीं सकते। आप सोचो एक पहाड़ी भर दी उन्होंने बद्दे मैसेजेस से दिखाने के लिए, उसके बावजूद भी वहां की सरकार ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया कि ये महिलाएं जो है वह आराम से रह सके। फिर चलिए ये बात महिलाओं की हुई, बुद्धिजीवियों की बात करो, तो यहाँ तक जो प्रोफेसर्स हैं जो यूनिवर्सिटीज में काम कर रहे हैं उनको भी चीन की सरकार स्टूडेंट्स से प्रताड़ित कराती है यदि उनका मत कहीं ना कहीं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से भिन्न होता है, और स्पेशली 2-3 चीजों के ऊपर, हांगकांग के विषय पर, जापान के विषय पर, और वर्तमान में COVID-19 के विषय पर, और उनमें से बहुत सारों को नौकरी से भी निकाला गया है। कुछ लोग आवाज उठाते हैं जैसे एक नोटेड इकोनॉमिस्ट हैं चाइना के, मिस्टर चेन वेलिंग, उन्होंने तो यहां तक ये कहा है कि चीन को यदि आइडियोलॉजिकल और इंटेलेक्चुअल पावर हाउस बनना है तो उसको टॉलरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम इन चाइनीज एकेडमिक्स शो करनी पड़ेगी। पर तो वो एक सारी चाइना के चीजें तो नोटेड बिल्कुल इकोनॉमिस्ट की नदारद बात है, करें,
वो ये तीनों लगा रखे हैं। चीजें लेकिन ये क्या? लोग कुछ ना कुछ जो बोलते हैं, ये देखिए लोग बोलते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते, उस पर ध्यान नहीं देते कि चाइना की सोसाइटी में इतने जो नोटेड इकोनॉमिस्ट और बड़े लोग हैं। आप जैकमा को देखे ना, जैकमा ने जरा बोला जैकमा की हालत खराब कर दी गई, उसकी जो कंपनी है उसको एक तरह से बहुत बड़ा स्टेक जो श्रिंक था वो श्रिंक चाइना ने उसको श्रिंक राजसाट कर दिया, उसको नेशनलाइजेशन कर लिया गया। फिर लेकिन फिर भी जैसे फॉर्मर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जो सेंट्रल कमेटी के मेंबर थे जाओ शीलिन, उन्होंने क्रिटिसाइज किया था कि चाइना में केवल गुड न्यूज ही क्यों दिखाई जाती है, इसका दुष्प्रभाव चीन के ऊपर पड़ना निश्चित है। लेकिन ये चीज क्या बाहर आई? नहीं आई। क्यों नहीं आई? चीजें हैं लेकिन हम उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते। हमको चाइना की रियल पिक्चर दिखानी होगी, उसके लिए चीन के ऊपर अध्ययन करना होगा, उनके जो सोशल मीडिया है, जैसे आप, मैं आपको बताऊं, एक हैशटैग चला था वुमेन स्टिक टुगेदर, ये चला था वीबू पे और इसके लगभग 50 मिलियन व्यूज मिले थे। ये जो एंटी वीमेन कमेंट होते हैं, जो सेक्सिस्ट कमेंट होते हैं, उसके खिलाफ था। 50 मिलियन व्यूज चाइना में हुए थे। मतलब आप देखिए कितनी बड़ी चीज थी इंटरनेट के ऊपर ये, लेकिन हमारे लोग नहीं जानते उसको क्योंकि हम लोग अध्ययन नहीं करते। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि जो हमारे देश का जो बुद्धिजीवी वर्ग है ना, उसको आगे आना होगा। चाइना कहता है कि वन चाइना टू सिस्टम पॉलिसी, मैं कहता हूँ कि वन चाइना टू सिस्टम पॉलिसी नहीं है। चाइना में तो वन कंट्री मेनी नेशंस है, कि इतने सारे नेशंस है, वो देखो इतने सारे नेशंस मिला के एक कंट्री बनाई है। मतलब जो अपने अपने नॉर्थ इंडिया में कहते हैं कहाँ की ईंट और कहाँ का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, वो भानुमती का कुनबा है। लेकिन हम ये नहीं जानते ये कुनबा जो जोड़ा है वो ईंट और रोड़े के बीच में कच्ची सीमेंट कहाँ पर है कि उसको तो एक्सप्लॉइट कर इसमें सके। और इसमें डॉक्टर शेख, तो जैसे एक और बात कही जा रही है कि अगर हम अपनी बातें करें, सीमा से जुड़ी थोड़ी बातें करें, तो जिसमें ये लद्दाख वाला जो हमारा पीछे पिछले साल जो सिचुएशन हुई थी, और उसमें दोनों अपने अपने पे वापस चले गए, स्थान पे वापस चले गए, तो उसपे बहुत सारी बातें हुई थी। एक बात ये भी हो रही है, बहुत मुखर तरीके से हो रही है, कि शायद इस साल फिर से चाइना आएगा और ज्यादा तैयारियों से आएगा और ज्यादा नुकसान पहुंचा के जाएगा, क्योंकि उसने देख लिया है कि वहां जिस शिखर पे थे उनको शायद उतनी ठंड की या उस तरह के वातावरण की अंदाजा नहीं था, तो वो वापस चले गए। अभी वो जो आएगा तो वो ज्यादा नुकसानदेह होगा। तो उसको किस तरह से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि चाइना वापस आएगा, वापस अटेम्प्ट करेगा सीमाओं पे, LAC पे? देखिए उसमें भी आप देखिए कि कुछ पॉइंट्स के ऊपर तो डिसएंगेजमेंट हो गया था, लेकिन कुछ पॉइंट्स के ऊपर भारत नहीं चाह रहा था, क्योंकि चीन कह रहा था कि डिसएंगेजमेंट इस तरह से नहीं हो, स्टेप बाय स्टेप एकदम से हो जाए। और एकदम से हम क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि जो जियोग्राफी है उनके तरफ वो काफी सुलभ है कंपेयर टू इंडियन साइड पे। तो यदि हम एकदम से डिसएंगेजमेंट करते हैं, और हमने तो अभी कुछ समय में ही इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर पे डेवलप करना शुरू किए हैं, लेकिन उन्होंने तो काफी लंबे अरसे से किया है। तो उनको जिस काम में कुछ घंटे लगते हैं हमको बहुत ज्यादा समय लगता है, इसलिए भारत ने डिसएंगेजमेंट नहीं किया। लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं कि वहां पर उन्होंने जो शिनजियांग कमांड है उनकी मिलिट्री की, उसका मॉडर्नाइजेशन करना शुरू कर दिया है, और मिलिट्री आर्मामेंट्स का मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बना रहे हैं, उन्हीं के साइड में बना रहे हैं, हमारी सीमा से 70 से 100 किलोमीटर दूर बना रहे हैं। लेकिन जब मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें दिमाग में आती है कि मॉडर्नाइजेशन क्यों कर रहे हैं। कुछ ऐसी भी चीजें चली थी कि वो अभी श्योरिटी नहीं है, लेकिन जो मीडिया में, विदेशी मीडिया में जो चीजें आई हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल भी उन्होंने कहीं ना कहीं रखी है। बैलिस्टिक मिसाइल किसके लिए रखी है? पाकिस्तान के लिए तो रखी नहीं है। फिर हमारे पास भी बैलिस्टिक मिसाइल है जो पूरी चीन को कवर करते हैं, विषय वो नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी शायद ये अटैक नहीं करे, क्योंकि मुझे जो लग मेरे ये एनालिसिस हो सकता है रॉन्ग भी हो, मुझे लगता है कि अभी खतरा जो है वो ताइवान के ऊपर ज्यादा है। तो एक साथ चीन दो फ्रंट नहीं खोलेगा, और भारत क्वाड का मेंबर है लेकिन भारत ने अभी तक भी मिलिट्री एग्रीमेंट, कुछ भी डिफेंस पैक्ट साइन नहीं किया है। और मुझे लगता है सही किया है नहीं करके, क्योंकि यदि हम एक बार डिफेंस पैक्ट साइन करते हैं और ताइवान में कुछ होता है या कहीं और कुछ होता है, तो हमको नेसेसरी रूप से अब उस जंग में कूदना होगा।
तो भारत अभी वेट एंड वॉच कर रहा है, टाइज को मजबूत कर रहा है, और मुझे लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। और मैं तो फिर वही कहूंगा कि वक्त आने पर हम भी लड़ेंगे, लेकिन हम लड़ेंगे उसी एरिया में जहां हमको सूट करता है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी चीन अटैक करेगा। अभी चीन जो है, पहले उसकी नजर जो होगी वो ताइवान के ऊपर होगी। वो उसका एक कारण, उसकी पहले से भी वो सोचते आ रहे हैं कि ताइवान को विद मिलिट्री फोर्स और विदाउट मिलिट्री फोर्स अनेक्स करना है। फिर एक बात और भी है कि सेमीकंडक्टर्स का जो मसला है, देखो दुनिया के 3 कंट्रीज ही बहुत माइक्रो लेवल के सेमीकंडक्टर बनाते हैं। सबसे ज्यादा बनाता है ताइवान, देन यूनाइटेड स्टेट्स, देन इजराइल। यूनाइटेड स्टेट्स ने देना बंद कर दिया है, ताइवान देता नहीं है चाइना को। इजराइल के उनसे टाइज है बिजनेस के, और इजराइल के जो बिग टेक कंपनीज हैं, जो हाई टेक कंपनीज हैं, उनमें से ज्यादातर में चीनी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स यदि रोकता है तो इसराइल नहीं दे सकता। अब चाइना को यदि अपने आप को मॉडर्नाइज करना है, और विशेषकर उस चाहे ड्रोन के क्षेत्र में या दूसरे मिलिट्री हार्डवेयर के क्षेत्र में, तो डेफिनेटली दे नीड सेमीकंडक्टर्स। और चीन की जो ताइवान की यूनिट है, जो दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मेरा मानना है कि यह भी एक कारण हो सकता है कि जिसको एनेक्स करने के लिए चीन ताइवान पे हमला कर दे। तो मुझे नहीं लगता कि चीन अभी भारत पर करने के दुस्साहस करेगा, क्योंकि इतने सारे फ्रंट नहीं खुलेगा वो। बट अभी जो ताइवान को लेके यूएस का एक सॉफ्ट रवैया रहा है, जिस तरह से ताइवान को रिकॉग्नाइज करने की भी बात हो रही है और वन चाइना के भी बात हो रही है, तो उस तरह से किस तरह से ताइवान का भविष्य कैसे देखते हैं आप? ताइवान पे वॉर तो होगी, कब होगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन ताइवान को लेकर जंग तो होगी। और यूएस बातें तो बहुत सारी है, लेकिन जब तक कि वो उसको रिकग्नाइज नहीं करता, और किसी प्रकार का डिफेंस पैक्ट ताइवान के साथ नहीं करता, जैसा उसने दक्षिण कोरिया के साथ, फिलीपींस के साथ या जापान के साथ कर रखा है, तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते। देखिए क्या है कि हमारे लोग, एक स्टेटमेंट आता है वॉशिंगटन से या कोई वेस्टर्न कैपिटल से तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। नहीं होना चाहिए, देर आर व्हील्स विद इन द व्हील्स। बहुत सारी चीजें होती हैं, जो होता है वो दिखता नहीं है, जो कहा जाता है वो उस पर किया नहीं जाता। तो जब तक कुछ कॉन्क्रीट होता हुआ नहीं दिखेगा, देखिए फाइनली ये कंट्रीज भी वही करते हैं जो उनको सूट करता है, वेस्टर्न कंट्रीज। भारत को तो ये सोच के रखना चाहिए कि हम तो अपने 2 कदमों पर खड़े हैं, अपने पैरों पर खड़े हैं, ठीक है, जिसके साथ रहने में हमको फायदा मिलेगा हम साथ रहेंगे, बस दैट इज ऑल। हमको इमोशनल होके ये नहीं सोचना चाहिए कि उसने ये कह दिया तो ये कर लेगा, जरूरी नहीं करेगा। तो आने वाले समय में आप कैसे देखते हैं कि जिस तरह से चीन एक तरह से पाकिस्तान के थ्रू, नेपाल के थ्रू और रशिया के थ्रू जिस तरह से एक अपनी अपना पंजा बढ़ाया जा रहा है, कितना बड़ा खतरा है भारत के लिए? जैसे आपने नहीं, भारत के बोला लिए खतरा है, युद्ध तो होगा, तो कितना बड़ा, मतलब आज के युद्ध, आज के जमाने में या आज के समय में युद्ध क्या लड़ना इतना आसान है? क्योंकि इकोनॉमी जिस तरह से इंटरमिंगल्ड है, वर्ल्ड इकोनॉमी जिस तरह से इंटरमिंगल्ड है, हम इतनी बड़ी इकोनॉमी है, कम से कम कंज्यूमर बहुत सबसे ज्यादा है, बहुत सारा इंटरेस्ट हर एक देश का लगा हुआ है, इंक्लूडिंग चाइना। तो उस तरह से क्या आपको लगता है कितना बड़ा युद्ध होगा, या अगर ये युद्ध होगा तो क्या इसकी कितनी पॉसिबिलिटी दिखती है आपको? युद्ध होने के बाद कोई नहीं जानता कितना बड़ा होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले इंग्लैंड में ये माना जाता था कि इंग्लैंड और जर्मनी जो है वो सबसे बड़े बिजनेस के पार्टनर थे आपस में, तो इन दोनों के बीच में तो युद्ध हो ही नहीं सकता, और हिटलर ने इन्वेड किया था। तो युद्ध होने के बाद कितना बड़ा होगा, उसमें कौन कौन प्लेयर्स जुड़ेंगे नहीं पता। आप ये देखिए ना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आर्क ड्यूक को एक पिस्टल की गोली से जो मारा था सर्बियन ने, उसने प्रथम विश्व युद्ध कर दिया था। तो किस चीज के ऊपर वो चिंगारी भड़केगी और कितनी चिंगारी आग की तरह फैलेगी वो कोई नहीं जानता। और बिजनेस जो है, बिजनेस टाइज और मार्केट जो है, वो कुछ हद तक के वॉर को पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से अवॉइड नहीं कर सकते। वॉर के डायमेंशन और जियो पॉलिटिक्स के डायमेंशन अलग होते हैं। और चीनी तो ये मानते हैं कि उनके यहाँ तो एक कहावत है कि एक पहाड़ी के ऊपर 2 टाइगर नहीं रह सकते। और चीनियों का तो यह भी कॉन्सेप्ट है कि दे आर द मिडिल किंगडम ऑफ द वर्ल्ड। मिडिल किंगडम का मतलब ये हुआ कि फिर बाकी जो भी है दूसरे कंट्रीज, दूसरे वो मिडिल किंगडम के आसपास सेटेलाइट स्टेट्स की तरह घूमते रहे।
तो दे थिंक देमसेल्फ एज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, और उनको लगता है अब कि उनका समय आ चुका है। तो ठीक है ना, अभी हम सही नीति पे चल रहे हैं, अभी हमारे लिए अच्छा यह है कि हम अमेरिका और वेस्टर्न कैंप में रहें, वेस्टर्नर्स के साथ रहें, लेकिन भारत अपनी नीति बड़ा सोच के बनाता है और सोच कर चलता है कि अभी क्वाड में हम जो डिफेंस पैक्ट नहीं कर रहे वो अभी के लिए तो मुझे लगता है ठीक नीति है, आगे चल के जो होगा वो देखा जाएगा। हर दिन जियो पॉलिटिक्स चेंज होती है, लेकिन अमेरिका को चाहिए कि अपना ये काटसा वगैरह रशिया से हटाए, क्योंकि रशिया प्लस चाइना, और रशिया कोई चाइना को पसंद नहीं करता है। देखो रशिया और चाइना के भी बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत बड़े हैं, कई गुना ज्यादा बड़े हैं, वो 1.5 लाख या 2 लाख वर्ग किलोमीटर के हैं जो चाइना रशिया की टेरिटरी को क्लेम करता है, लेकिन उसको ठंडा करके रखे हैं रशियंस भी, क्योंकि रशियंस को अभी जरूरत है पैसे की। यदि अमेरिका अपनी नीति को सॉफ्ट कर देता है रशिया के प्रति, तो रशिया निकल जाएगा उस क्लच से। मैं वैसे ही कहता हूँ कि आई एम स्टेडिंग ऑन दैट कि जितनी जल्दी हो सके ईरान के साथ जो परमाणु संधि है, अमेरिका को वापस रीएंटर हो जाना चाहिए, क्योंकि चीन से यदि ईरान को बचाना है, देखो चीन के साथ ईरान ने फाइनली जाकर एक हिडन संधि की, जिसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं कि 400 बिलियन यूएस डॉलर की संधि की है। क्यों की है? क्योंकि इतने सारे उसके ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं सैंक्शंस के। तो यदि सैंक्शंस आप हटा दोगे तो कोई भी देश अपनी संप्रभुता को खोना नहीं चाहता। ईरान भी नहीं चाहेगा कि वो चाइना की कॉलोनी बन जाए, लेकिन कॉलोनी बनना जो है आप विवश करते हो। रशिया को भी एक तरह से आपने जूनियर पार्टनर बनने पे विवश कर दिया है चाइना के। रशिया भी नहीं चाहता, रशिया तो कभी नहीं चाहेगा। देखो रशियंस आर फाइटर्स, वो हर वॉर में लड़े हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी उस क्रांति से पहले लड़े थे, सेकंड वर्ल्ड वॉर में लड़े, सबसे ज्यादा नुकसान उन्होंने उठाया, लेकिन वो लड़े। तो दे आर ऑल्सो मार्शल रेसेस, वो नहीं चाहते कि चीन का पपेट स्टेट बने, लेकिन यदि उसको आर्थिक रूप से इतना दबा दिया जाएगा तो वो सबके लिए नुकसानदायक है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, तो अमेरिका को इनके थिंक टैंक को सोचना होगा, और इनके थिंक टैंक का तो दिमाग में गोबर भरा हुआ है या भूसा भरा हुआ है। मैंने कल एक वीडियो बनाया था, मुझे गुस्सा आया पढ़ने के बाद कि कितना निचला और छिछले लेवल का इनका एनालिसिस हो गया है अमेरिकन थिंक टैंक का। विषय वो था जो रॉयटर्स ने छापा, और रॉयटर्स तो दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है, कि टर्की क्यों बेलारूस को मदद कर रहा है और नेटो के अंदर बैठ के कर रहा है, कि नेटो का स्टेटमेंट उसने डाइल्यूट करवा दिया प्रेशर डालकर, और उसके पीछे वो कारण बोलते हैं कि टर्की जो मिनरल है बेलारूस की, उसके जिससे उनको रेवेन्यू मिलता है, तो इसके लिए और रशियन टूरिस्ट आना कम नहीं हो जाए समर्स में टर्की, इसके लिए टर्की ये सब कर रहा है। इतना जियोपॉलिटिक्स, इतनी छोटी चीजों को देखकर कोई नहीं करता ये सब चीजें। टर्की इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट से बेलारूस के साथ, टर्की ने जब बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी मांगी थी नेटो कंट्रीज से तो उसको नहीं दी थी, ये बात है सन 2000 की, 2000 में, जब टर्की चाहता था कि यूरोपियन यूनियन का अंग बन जाए, और डेट टाइम टर्की वॉज मोर यूरोपियन एंड मोर सेक्युलर, सेक्युलर टू द लेवल ऑफ बींग एथिस्ट देन एनी ऑफ द यूरोपियन कंट्री, लेकिन उसको नहीं किया गया उसके अंदर इन्वॉल्व यूरोपियन यूनियन में। ये भी एक हिस्टोरिकल ब्लेंडर किया है, गलती की, उसके बाद हम किसी दिन वो बात करेंगे कैसे टर्की को खोया है वेस्ट ने, और टर्की तो इस लेवल तक के सेक्युलर था कि वहां पर दुनिया में कोई मुस्लिम कंट्री छोड़े यूरोप का कोई कोई क्रिश्चियन कंट्री भी इतना सेक्युलर नहीं था। ये 2000 से लेकर 2006-07 तक की बात है, लेकिन उस समय उसको इग्नोर किया गया, उसके रिपरकशन समाज में, कोई भी समाज होता है, समाज दुनिया में कोई भी कंट्री का हो एक जीता जाता ऑर्गेनिज्म होता है मैं कहता हूँ, और उसके ऊपर जब कुछ चीजें आती है तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करने के लिए, जैसे कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस पे हम वैक्सीन लगाते हैं उसके लिए तो वो अपने आप को म्यूटेंट करता है, म्यूटेशन करता है जीने के लिए, उसको जो है उसको बढ़ना है, तो ये नेचर का लॉ है। तो समाज भी एक जीता जाता ऑर्गेनिज्म होता है, तो समाज अपने आप को सर्वाइव करने के लिए और अपनी प्लेस बनाने के लिए हमेशा चेंज करता रहता है। कई बार वो चेंज जो होते हैं वो अपने लिए खराब होते हैं, दुनिया के लिए खराब होते हैं, कई बार जो है वो समाज के लिए खराब होते हैं या उसके लिए अच्छे होते हैं। तो सिचुएशंस जो है वो ऐसी नहीं बनना चाहिए कि एक समाज में वैसा परिवर्तन आए जिसका दुश्मन फायदा उठा ले जाए। तो टर्की के जो
बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी जब यूरोपियन यूनियन के अपने कलीग से मांगी थी, नेटो के दोस्तों से मांगी थी, तो नहीं दी गई, उसने खुद ने बनाई बैलिस्टिक मिसाइल। और उसके बाद उसको जो ट्रक लॉन्च पैड, क्या होता है कि जब कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल अगर ट्रक से चल रही है तो इसपे सामान्य चेसिस नहीं रखी जा सकती, यू नीड अ स्पेशल चेसिस, तो वो बेलारूस ने सप्लाई की। उसके बाद से बेलारूस के साथ उसके दूसरे भी कॉन्ट्रैक्ट हुए, 2019 के अप्रैल में उन्होंने एमओयू साइन किया, तो वो कारण थे कि जिसकी वजह से वो उसको बचा रहा है, प्लस रशिया का कारण है। पुतिन डेफिनेटली बचा रहे हैं लुकाशेंको को, तो पुतिन ने अर्डोगन को कहा होगा कि आप उसको बचाओ नेटो में बैठकर, तो पुतिन की कहना माना होगा क्योंकि पुतिन के और इनके भी बड़े क्लोज संबंध थे। तो वो है, अब उसमें अमेरिकन एनालिस्ट कर रहे हैं कि वो क्योंकि फ्लाइट से कमा रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, ये व्हाट द हेल इज, कितना निचला लेवल का एनालिसिस भाई। भारत ऐसा नहीं करना चाहिए, भारतीय एनालिस्ट कैसे नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जियो पॉलिटिक्स है, यहाँ पे किसी की बात पे भरोसा नहीं कर सकते, आपको नहीं पता कि पीछे की कहानी क्या है, जैसा कि आपने नहीं सुजाता, कहा। ये भी तो देखो ना, फिर ये ऐसी बेवकूफियां जो कर रहे हैं कि रशिया को जानबूझ के चीन की गोद में डाल रहे हैं, काटसा हाँ सेंक्शन लगा रहे हैं, तो ये इनके जो थिंक टैंक्स बैठे हैं, बड़े बड़े थिंक टैंक हाउसेस बैठे हैं, उन्हीं की तो ये पॉलिसीज बनती हैं, ये मुक्ता की। मैं बोलता हूँ बिल्कुल, बार बार कि डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल बिना मर्जी के काटसा पे साइन किया था, वो नहीं चाहता था। डोनाल्ड ट्रंप वो फॉरेन पॉलिसी जीनियस, हालांकि वो मुंह से बोलने में बड़ी नीचता की बातें करते थे। वो ही वॉज अ प्रेसिडेंट विद द मोस्ट अनप्रेसिडेंटेड टंग। चलिए, थैंक यू डॉक्टर सेख फॉर टॉकिंग टू अस, हमसे इतनी सारी बातें करने के लिए और ये भी बताने बस के लिए एक अपील कि करूंगा व्यूवर्स से, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक नेटवर्क का कुछ इश्यू है डॉक्टर शेख, आई थिंक लाइन में कुछ गड़बड़ी दिख रही है। तो ये थे डॉक्टर शेख जो हमसे बातें कर रहे थे और उन्होंने बहुत सारी बातें बताई ऐसी जो शायद जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से बहुत सारी बहुत महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में